देश भर में 26 अगस्त यानी कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, जिसकी तैयारी देश भर में धूमधाम से चल रही है। सभी कृष्ण मंदिरों में खास तैयारियां की जा रही हैं। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी पर दो शुभ योग भी बनने जा रहे हैं। इस दिन रोहिणी नक्षत्र दोपहर 3:55 से शुरू होगा और 27 तारीख की मध्य रात्रि तक रहने वाला है। इस साल जन्माष्टमी का त्यौहार सोमवार के दिन है। जब भी यह त्यौहार सोमवार या फिर बुधवार के दिन आता है तो इसे बेहद शुभ संयोग माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ था, वही जिस दिन उनका नामकरण हुआ वह सोमवार का दिन था। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व का इन दो दिनों में आना बेहद शुभ माना जाता है। देखिए, जन्माष्टमी जो है वो इस वर्ष दो प्रकार की हो गई है, दो दिन हो गई है, 26 और 27। 26 को स्मार्तानाम और 27 को वैष्णवानाम, इसलिए 27 को ही ये जन्माष्टमी रामलला की यहाँ मनाई जाएगी, रामलला की। और उसी प्रकार से धूमधाम से मनाई जाती, बड़े भव्य दिव्य रूप से मनाई जाती है, जैसे भगवान राम की जन्मस्थली और भगवान राम की नवमी मनाई जाती है, वैसे भगवान कृष्ण का भी जन्म उत्सव बड़े दिव्यता से मनाया जाता है। जन्माष्टमी का त्यौहार हमें बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये कान्हा जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उनके जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस्कॉन मंदिर में आके यहाँ की साज सजावट बहुत ही अच्छी है। हम हमेशा ही यहाँ पर आते हैं और अपने घर में भी हम त्यौहार मनाते हैं बहुत धूमधाम से। कान्हा जी को मिश्री का भोग लगाते हैं, मिठाई का भी घर में ही बनाते हैं हम, घर में हलवे का हो गया, खीर हो गया, उनका हम भोग लगाते हैं। माखन मिश्री, उनके वस्त्र वगैरह, उनका श्रृंगार सब ले चुके हैं। और जन्माष्टमी 22 एकादशियां का फल जन्माष्टमी का व्रत लेने में मिलता है। और रात के 12 बजे तक कीर्तन भजन में नृत्य करेंगे। घर में एक छोटा बच्चा पैदा होता है, वैसे कृष्ण जी के लिए भी ऐसे ही सारी चीज़ें होती हैं कि रात को 12 बजे उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मिठाइयाँ वगैरह बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है।